हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनबॉक्स डेली। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आंट ई स्पोर्ट्स GP300 Pro V2 वायरलेस गेम पैड का, या फिर इसे वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर भी कह सकते हैं। इससे पहले हम रेड गेयर प्रो की अनबॉक्सिंग एज वेल एज इन डेप्थ रिव्यू देख चुके हैं, उसका लिंक मैं ऊपर राइट हैंड टॉप कॉर्नर में डाल दूंगा, उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा। उस रिव्यू में हमने देखा था कि कैसे रेड गेयर प्रो वायरलेस गेम पैड ही बेस्ट गेम पैड है इस प्राइस रेंज में। बट मेरे को काफ़ी रिव्यूज देखने को मिले थे जिसमें कि लोग एंट ई स्पोर्ट्स के इस वायरलेस कंट्रोलर की भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मंगा के खुद ही देख लिया जाए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ऑल्सो एक और जो कि मुझे इसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी वो ये कि इसमें जो लेफ़्ट स्टिक है वो नीचे दी गई है और ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नहीं दी गई, एंड मेरे को उसको थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता था रेड गेयर प्रो में, तो आई थॉट ऑफ चेकिंग दिस आउट। तो आइए जल्दी से अब इसके प्रोडक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दिस कम्स विद अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, मल्टी डिवाइस सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, वाइब्रेशन फीडबैक भी इसमें काफ़ी अच्छी है, और एक हाई प्रिसिशन डी पैड भी है। ऑल्सो कंपनी क्लेम करती है कि इट कम्स विद अ वेयर रेजिस्टेंट एंटी स्लिप जॉयस्टिक। तो ये इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स थे जो कि आपको इसके बॉक्स पे भी लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आइए कुछ और फीचर्स इसके देख लेते हैं कि इन द बॉक्स इट कम्स विद अ यूएसबी डोंगल, माइक्रो यूएसबी कन्वर्टर भी आपको इसमें मिल जाता है, AVXY4 एक्शन बटन्स मिलते हैं जो कि बैकलेट नहीं है, माइक्रो यूएसबी भी इंक्लूडेड है, इट हैज 12 न्यूमेरिक बटन्स, वेट इसका 190 ग्राम्स है विच इज ऑन द हेवियर साइड, एंड इट इज कंपैटिबल विद बोथ फोन एंड टैबलेट्स। तो आइए अब जल्दी से इसके एक बार स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको दिख जाएगा कि 4 LED इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलते हैं अलॉन्ग विद डुअल वाइब्रेशन मोटर, और उसके अलावा आपको 360 डिग्री डुअल एनालॉग स्टिक्स भी इसके साथ मिल जाते हैं। इसमें बैटरी आपको 600 mAh की मिलती है विच कैन गिव यू अ बैकअप ऑफ अप टू 12 आवर्स, 8 मीटर्स कनेक्टिविटी के साथ ये आपको मिल जाता है। ऑल्दो मेरे को ये काफ़ी कम फील हुआ और ये काफ़ी जल्दी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता था, बट कंपनी क्लेम करती है कि इट्स अप टू 8 मीटर्स। उसके अलावा इट्स ऑल्सो मेंशन ऑन द बॉक्स दैट इट कम्स विद द ABS ब्लैक शेल विद रबराइज बॉडी डिजाइन, बट मेरे को ये बहुत प्लास्टिक की लगा और रबराइज तो बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर मैं इसे रेड गियर प्रो से कंपेयर करूँ तो दिस वॉज नॉट एट ऑल रबराइज। एज वेल एज इस पे मेंशन है कि इट हैज़ ऑटोमेटिक डिवाइस रिकग्निशन, तो जैसे ही आप इसको अपने PC या लैपटॉप में प्लग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज कंपैटिबल विद मल्टीपल डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक macOS, विंडोज, PC एज वेल एज एंड्रॉयड एंड PS3। तो आई थिंक उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आइए जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इसके कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यू गेट द कंट्रोलर इटसेल्फ, तो आइए जल्दी से उसे निकाल लेते हैं उसके पैक में से। तो यार दिस इज़ द कंट्रोलर, एंड लाइक आई सेड कि काफ़ी प्लास्टिकी सा है और रबराइज तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नीचे रबराइज ग्रिप दी जा सकती थी एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन रियली हैंडी, बट वो नहीं है। अनदर कॉन विच आई फील इज दैट बटन्स बैकलेट नहीं है, रेड गियर में वो बैकलेट मिलते हैं, बट हैविंग सेड दैट काफ़ी क्लिकी हैं बटन्स और जैसे होना चाहिए मूवमेंट वो भी काफ़ी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप 4 LEDs को ब्लिंक होते हुए तो देख ही सकते हैं। तो आइए बाकी के बॉक्स कॉन्टेंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें हमें एक तो देखने को मिल जाता है ये डोंगल जो कि मेंशनड ही है बॉक्स पे, दिस इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द डिवाइस विद द लैपटॉप और द डेस्कटॉप। और इसके अलावा आपको इसमें एक कन्वर्टर भी देखने को मिलता है बॉक्स में, विच इज़ अ रियली गुड थिंग कि अगर आपको किसी माइक्रो USB डिवाइस से कनेक्ट करना है तो यू कैन डायरेक्टली प्लग एंड प्ले दिस डोंगल और आपका जो कंट्रोलर है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट अ माइक्रो USB विच इज़ गुड दैट कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड दैट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड जो मैं आपको बता रहा था दिस इज़ द कन्वर्टर, माइक्रो USB कन्वर्टर जो कि आप सीधा अपने फ़ोन या टैबलेट में कनेक्ट कर सकते हैं और वो डोंगल को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं सो एज़ टू प्लग एंड प्ले द वायरलेस कंट्रोलर। सो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड, जनरली वायरलेस कंट्रोलर्स के साथ ये नहीं मिलता है, तो आई थिंक इट्स गुड दैट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो आइए अब देख लेते हैं कि माइक्रो USB कैसी है। इट फील्स क्वाइट प्रीमियम इन द हैंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे एंड ई स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग भी दी गई है, एंड डिज़ाइन भी इसका थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑल्सो दिस केबल कैन बी यूज टू चार्ज द वायरलेस कंट्रोलर एज वेल एज आप इसको भी डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट एज अ वायर्ड कंट्रोलर तो वो ऑप्शन भी है। ऑल्दो इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी, इट्स नॉट ऑन द लार्जर साइड, बट अब जितना है उतने से ही काम चलाना पड़ेगा, बट या आई थिंक इट्स सफिशियंट फॉर द टाइम बिंग।
तो आइए अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कंट्रोलर का। तो जैसा इसमें मेंशनड है कि 12 बटन्स इसमें आपको मिलते हैं, विच इज़ R1, R2 एंड L1 एंड L2। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट एंड सेलेक्ट बटन भी आपको मिल जाते हैं। पीछे इसमें थोड़ा सा बार कोड्स वगैरह मेंशनड है, एंड आई थिंक ओवरऑल द डिज़ाइन एंड लुक एंड फील लुक्स प्रीमियम, एंड मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। और इसके अलावा आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो कंपेयरिंग दिस एंट ई स्पोर्ट्स विद रेड गियर प्रो, और उसमें हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो follow us on our social media handles on Facebook, Instagram and Twitter. Thank you guys for watching.